कई बार बहुत कम इस चीज़ का ऑप्शन होता है कि आप चूज़ कर पाएं कि किस तरह का काम आप करना चाहते हैं गैंग्स ऑफ वॉसिफर मेरी पहली फिल्म थी मेरा ऑडिशन जो हुआ था वो सिर्फ उतने ही एक किरदार के लिए हुआ था जो काम करने का तरीका है और जो टाइम होती हैं वो टी और फिल्म में काफ़ी अलग हो जाती हैं कि हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद खोजना पड़ता है जो लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए भी

अरेंजमेंट uh, बिठाता हूँ तो आई थिंक इट्स 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 अ ग्रेट थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है शो भी अच्छा लग रहा है मेरा काम भी पसंद आ रहा है तो इट्स इट्स इट इट फील्स फील्स नाइस गुड आपने पहले जितने भी शोज किए हैं फिल्में किए है, कितना चैलेंजिंग रहा ये वेब सीरीज आपके लिए क्योंकि थोड़ा अलग है समुद्री लुटेरे के तौर पर है तो कितना चैलेंजिंग रहा कितनी तैयारियाँ करनी पड़ी आपको uh, मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए रहा क्योंकि अभी तक जितना भी काम मैं करता आया हूँ वो वो इस काम से बहुत अलग रहा है क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स जनरली बहुत आइडियलिस्टिक रहते हैं बहुत सच्चाई की राह पर चलने वाले रहते हैं तो उस लिहाज से मुझे उस लिहाज से मुझे ये जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मेरी पर्सनालिटी से भी काफ़ी परे है और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि काफ़ी ग्रे कैरेक्टर है तो एक अलग तरीका है इसका और उसको अप्रोच करने के लिए थोड़ा सा मुझे अपनी सोच को और अपनी अप्रोच को बदलना पड़ा और इस हिसाब से बिलाल निकल गया है कहते हैं कि अगर नेगेटिव रोल करते हैं हम तो इंडस्ट्री में फिर उसी तरह के काम हमें मिलने लगते हैं एक तरह का इमेज बन जाता है तो आपके पास जब स्क्रिप्ट आई होगी तो आपने क्या सोचा कि आपको ये रोल करना चाहिए क्योंकि कहा अक्सर देखा जाता है कि आप एक तरह के अगर रोल करते हैं तो उसी तरह का बोलते ना स्टैम्प लग जाता है तो होता ये है कि एज एन एक्टर आपके पास कई बार बहुत कम इस चीज़ का ऑप्शन होता है कि आप चूज़ कर पाएं कि किस तरह का काम आप करना चाहते हैं एटलीस्ट जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मेरे केस में भी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जिस तरह का काम मुझे ऑफर होता रहा वो uh, जैसा मैंने आपको बताया बड़े आइडियलिस्टिक कैरेक्टर्स होते थे तो उसी तरह से मुझे uh, काम आगे भी मिलता रहा जिस तरह से लोगों ने देखा बट जय uh, जो, जो कि लुटेरे uh, के डायरेक्टर हैं ही वॉज़ वेरी काइंड एंड ही वॉज़ विलिंग टू टेक दैट रिस्क विद मी तो उन्होंने uh, ये कैरेक्टर मुझे ऑफ़र किया और आई वॉज़ वेरी सरप्राइज टू बिगिन विद तो मुझे करके बहुत मज़ा आया और अगर मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स और करने के करने के लिए मिलेंगे तो आई आई रियली इंजॉय इट और ये तो क्या है कि एक एक साइकिल है वो चलती रहती है तो एक तरह के कैरेक्टर्स अभी तक हैं अब इसके अलावा कुछ और आए या इस तरह के भी चलें तो आई एम गोइंग टू गए सेल्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर जिसे आज भी लोग याद रखते हैं सबके जहन में ये फिल्म तो आप भी उसमें थे तो कुछ यादें उसकी शेयर करनी चाहिए क्योंकि बोले बोलते ना वो फिल्म ने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी जितने उसमें थे गैंग्स ऑफ वॉसिफर मेरी पहली फिल्म थी उसमें मैंने जो कैरेक्टर किया था उसका नाम था इखलाक तो इनिशियली जब उस फिल्म के लिए मुझे ऑडिशन किया गया तो फिल्म के पहले पार्ट में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मोहसिन खान तो मेरा ऑडिशन जो हुआ था वो सिर्फ उतने ही एक किरदार के लिए हुआ था मगर उसके बाद जब अनुराग ने मेरा ऑडिशन देखा उनको मेरा काम अच्छा लगा तो वो जो इखलाक का पार्ट है वो उन्होंने कहा कि यू नो ये भी तू कर ले एंड इट बिकेम लाइक अ डबल रोल बाप बेटा हो गया तो इट हैपनिंग ऑन द गो फॉर मी तो मेरे लिए वो काफ़ी काफ़ी एक्साइटिंग टाइम था क्योंकि अनुराग के साथ आप काम कर रहे हैं और वो आपके काम पर आपकी uh, जो काम करने का तरीका है उस पर इतना विश्वास कर रहे हैं कि वो आपका रोल बढ़ाते चले जा रहे हैं तो इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम रन तो उस लिहाज से मुझे बहुत uh, अच्छा लगता है uh, गैंग्स मैंने की और इतनी कल्ट फिल्म है Um, uh, फी कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ से और uh, uh, तो बॉलीवुड मतलब, इंडस्ट्री uh, 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 में भी आपने काम किया टी वी इंडस्ट्री में भी किया तो दोनों में क्या फर्क नजर आता है आपको एज अक्टर एज एन एक्टर तो uh, ज़्यादा मैं ऐसा कुछ फर्क नहीं कह पाऊँगा आपको बट हाँ ये जरूर है कि uh, जो काम करने का तरीका है और जो टाइम होती हैं वो टी और फिल्म में काफ़ी अलग हो जाती हैं क्योंकि टी में कई बार ये होता है कि आपको आपकी जो डिलीवरी डेट्स होती हैं वो काफ़ी काफ़ी करीब होती हैं जब आप शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे काम करने का तरीका जो है वो काफ़ी ऑन द गो होता है और जब आप फिल्मों में काम करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी प्री प्रोडक्शन होता है प्री प्लानिंग होती है तो एक तरीके से जब आप एक फ़िल्म के सेट पर पहुँचते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो होने वाला है उसके लिए तैयार होते हैं और जब आप वो कर रहे होते हैं तो उसी में आप कुछ नई चीज़ें ढूंढ पाते हैं जबकि मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न में क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत कम होता है तो टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होता है तो आपको हमेशा एक सही काम करने का एक शॉट में काम हो जाए कुछ फंबल ना हो एक्सप्लोरेशन का चांस कई बार बहुत सीमित हो जाता है बट ये भी मतलब एक जेनरिक स्टेटमेंट नहीं है मतलब टीवी में भी कई कई इस तरह के काम हैं जिसमें कि आप Uh, काफ़ी प्रेप के साथ काम करते हैं और कई काम हैं जो कि आप ऑन द गो आप जाते हैं आपको स्क्रिप्ट मिलती है और आप उस वक्त पढ़कर उस सीन को करते हैं अक्सर जो टीवी इंडस्ट्री के लोग होते हैं उन्हें बहुत शिकायतें होती हैं कि काफ़ी भेदभाव होता है कि ये टी वाले हैं ये बॉलीवुड वाले हैं पार्शलिटी एक तौर पर होता है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे uh, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है मुझे लगता है कि अगर आप अपना काम ढंग से कर रहे हैं शिद्दत से कर रहे हैं तो फिर क्योंकि चाहे वो एक फिल्म बनाने वाले हों या टेलीविजन में काम करने जो टेलीविजन की कहानियाँ बना रहे हैं उनको हर किसी को अपने किरदार के लिए एक अच्छे अभिनेता की ज़रूरत होती है और सिर्फ एक्टर्स की नहीं हमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी उनको द बेस्ट पॉसिबल लोगों के साथ काम करने की ज़रूरत होती है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई भेदभाव होता है या फिर आप अगर एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके लिए दूसरी इंडस्ट्री में स्विच ओवर करना मुश्किल हो जाता है हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जो कि बहुत पॉपुलर लोग हो जाते हैं टेलीविजन में और जिनको लोग एक रोज़मर्रा के तौर पर देखते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी एक इमेज जो है वो एक तरीके से छप जाती है एक ऑडियंस के दिमाग में और शायद उसको ब्रेक कर पाना एक ऑडियंस के नज़रिए से मुश्किल होता है तो इसलिए हो सकता है कि कुछ मुश्किलें होती हों बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भेदभाव है इस तरह से आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करें करली करियर जर्नी के बारे में बात करें बोलते हैं जब इंडस्ट्री में आते काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अगर किसी का गॉड फादर नहीं होता है तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई जर्नी रही काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा हो मुझे ये जो शब्द है ये स्ट्रगल ये थोड़ा सा ऑफ लगता है क्योंकि आप किसी भी लाइन में जाएँ आप किसी भी जगह आप काम करें तो वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ती है हाँ ये ज़रूर है कि जब आप बॉम्बे आते हैं काम करने के लिए तो किसी तरह का एक सेट पैटर्न नहीं है और साथ ही कोई एक 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 तरीका नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करके आप एक मकाम तक पहुंच सकते हैं तो आई थिंक uh, मुश्किल ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद खोजना पड़ता है इट्स एन इंडिविजुअल जर्नी फॉर एवरी तो आई थिंक uh, आपका तरीका क्या है और आप uh, अपना रास्ता कितनी देर से या कितनी जल्दी ढूंढ पाते हैं uh, वही है वो जो समय uh, ले जाता है तो uh, उस लिहाज से मुझे भी काफ़ी समय तो हो ही गया है बॉम्बे में बट मैं जब से आया आऊँ तब से रेगुलरली काम कर ही रहा हूँ और कुछ ना कुछ चलता ही रहा है तो द सिटी द इंडस्ट्री हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी और इट्स एन जर्नी तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी वे इट इज लेकिन कभी तो लाइफ में ऐसी घड़ी आई होगी जब आपने सोचा होगा कि काफ़ी काम कर रहे हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा जिस तरह का कैरेक्टर चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है कहते हैं कि कोई इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है जिसका हाथ हमारे सर पर हो अब जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक पॉइंट पर आकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ही तरह के रूल्स के लिए बुलाया जाता है एक ही तरह के काम ऑफर किए जाते हैं और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है एज अपोज टू एक्सपेक्टिंग पीपल टू सी मी फ्रॉम अ डिफरेंट परसपेक्टिव क्योंकि ये बहुत परसेप्शन ड्रिवन इंडस्ट्री है तो आप जिस तरह से लोगों आपको परसीव करते हैं उसी तरह का काम आपको दिया जाता है तो जब मुझे एक तरह का काम बार बार दिया जाने लगा तो मुझे लगा कि शायद मुझे अपने आप में कुछ इस तरह का बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि मेरी कोई और साइड जो है वो लोगों तक पहुंच पाए जब हम लोगों से मिलते हैं तो आ, ये मेरे साथ भी हुआ जब मुझे लगा कि यू नो आई एम नॉट बीइंग ऑफर्ड द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई वॉन्ट टू डू और आ, उस टाइम पर अपने आप पर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी अपने आप के बारे में थोड़ा और सोचना पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है बट ऑल दैट हैज टू हैपन फ्रॉम विद इन मतलब किसी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है आपके अगेंस्ट हाँ मतलब आपके ऊपर कोई गॉडफादर नहीं है या किसी का हाथ नहीं है बट पर हमारे पास इनफ एग्जाम्पल्स हैं ये देखने के लिए कि जो लोग एक uh, बहुत ही स्ट्रॉग uh, बैकग्राउंड से आते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए भी uh, चीज़ें आसान हों तो uh, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को एवेल्युएट री एवेल्यूएट करते रहना बहुत जरूरी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हमेशा उन पर एलिगेशन लगते के जी. कि जो स्टार किड्स होते हैं बहुत आसानी से उन्हें रोल मिल जाता है भले वो उस में फिट ना बैठे लेकिन एक टैलेंटेड जो स्ट्रगल करके कहीं और से आउटसाइडर हो उसे वो नहीं मिल पाता है जो जिसकी क्वालिटी वो रखता है बट बस उसकी पहचान नहीं इसकी वजह से उसे नहीं मिल पाता है आ, मैं ये नेपोटिज्म की बात से मतलब काफ़ी ज़्यादा अग्री नहीं करता हूँ और वो इसलिए क्योंकि ये तो बहुत तयशुदा बात है कि अगर आप Uh, I mean, my father is a chartered accountant. If I would have decided to go into that line, he would have definitely helped me, right? He would have guided me in the right direction. He would have done anything that he could have done. But since he is not from this line of work, जो मैंने choose किया है, तो मुझे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा. और जैसा कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आ रहे हैं या आपको यू uh, you know, आप एक फिल्मी परिवार से आ रहे हैं तो वह हो सकता है कि आपको एक एंट्री शायद थोड़ी आसानी से मिल जाए मगर वहाँ पर भी फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा की जाती हैं आपको जज ज़्यादा हार्शली किया जाता है तो आई थिंक दोनों ही तरफ अपनी अपनी तरह की मुश्किलें हैं और अपने अपने तरह की आसानियाँ हैं जैसे हम आप बाहर से काम करने आते हैं जब हम जो इंडस्ट्री से नहीं हैं तो हमें हमें हमसे इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी ऑडियंस के जहन में जो एक्सेप्टेंस है वो भी आसानी से आ पाती है तो इस तरह से मतलब ये दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं और आसान और मुश्किल आई थिंक सबके लिए साथ में ही चलता रहता है इस बात से तो आप अवेयर होंगे कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए और या, मतलब, I mean, it's, it's never, लेकिन uh, जिस तरह से कुछ लोग उनके पीछे कुछ गैंग उनके पीछे पड़ी है तो क्या वजह है उनका कहना है कि मतलब जो बहुत साल पहले उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था तो विष्ण समाज जो है जिसके अगेंस्ट थी तो इसके वजह से वो उनको हार्म पहुँचाना चाहते हो किस तरह की उन्हें सिक्योरिटी रखना चाहिए उनकी ये भी डिमांड है कि सलमान हमसे माफ़ी मांग लें <laughs> ये तो सलमान और बिश्नोई समाज के बीच की बात है मैं तो इसमें कोई कहने वाला कुछ होता नहीं हूँ और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है आई थिंक उनको ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है एंड आई थिंक द द मैटर आई डोंट नो बट आई थिंक द फाइनल डिसीजन विद द कोर्ट एंड जो वो बोलेंगे आई आई मीन दैट बी द फाइनल डिसीजन थिंक नहीं कुछ लोगों का कहना ये है है कि पब्लिसिटी स्टंट तो आपको क्या लगता है सलमान खान को ऐसे किसी किसी स्टंट की जरूरत है या फिर नहीं नहीं इट्स इट्स वी आर वी आर आई थिंक ओवर रिएक्टिंग इफ यू थिंकिंग इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट क्योंकि ना तो मुझे लगता है उनको किसी तरह की पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत है और आई मीन आई थिंक इट्स वेरी फ्रिबल्स कि अगर किसी के घर पे गोली चली और उसको हम ऐसा कहें कि वो पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि यू uh, नो you know, परिवार के साथ लोग रहते हैं सब कुछ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की चीज़ करना चाहेगा एंड आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग टू कॉल इट दैट अब अपने फैंस को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहते हो सो so, uh, इस साल काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे लाइंड अप हैं तो लुटेरे तो भी आ ही रहा है जिसके एपिसोड्स वीकली ड्रॉप हो रहे हैं उसके अलावा अभी चाचा विधायक का थर्ड सीजन आने वाला है सो दैट इज़ कमिंग आउट उसके अलावा एक्सेल एंटरटेनमेंट का एक शो है जिसका नाम है अंधेरा दैट बी ऑन एमज़ोन एंड एक और शो है सिक्ख्या एंटरटेनमेंट का जिसका नाम है ग्यारह ग्यारह तो वो भी आने वाला है एक फिल्म है आहूती दैट इज़ अबाउट टू कम आउट ऑफ वर्क एज एक्टर आपको बॉलीवुड में कुछ चेंजेस करना हो कि मतलब इस तरह की फिल्में बननी चाहिए इस तरह के मतलब कहते हैं ना कि हर कोई अपने फील्ड में कुछ चेंजेस चाहता है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो वर्क एटमॉस्फेयर uh, है वो ज़्यादा कंड्यूसिव uh, हो सकता है सबके लिए <laughs> क्योंकि हम जिस तरह से काम करते हैं बहुत मेहनत का काम है और uh, एक सेट पर uh, मुझे लगता है कि और कई जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं जिनके साथ मैंने काम किया है वहाँ पर आप जाएँ तो वहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है आपका बहुत ख्याल रखा जाता है और आ, मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कास्ट क्रू सब की बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी शुरू हो गया है बट आई थिंक कई बार कई जगहों पर जो है एक ह्यूमन एलिमेंट जो है वो मिसिंग रहता है और मुझे लगता है कि हम लोग जो कहानियाँ बता रहे हैं जो कहानियाँ बताने के बिजनेस में हैं अगर हम ह्यूमैनिटी से बहुत दूर चले जाएं और सिर्फ एक काम के एग्जीक्यूशन में लग जाएं तो मुझे लगता है कि वो इमोशन कहीं ना कहीं मिस हो जाता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम करने का जो एटमॉस्फेयर है जो वातावरण है वो थोड़ा सा और कंड्यूसिव हो सकता है थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है कई जगहों पर हर जगह पर नहीं अगर आपसे जानना चाहे एक्टर ना होते तो आप क्या बनना चाहते हाँ। थे मैं तो एक्टर ही बनना चाहता था बचपन में था मैं फुटबॉल बहुत खेलता था तो एट अपॉइंटेड टाइम आई वॉन्टेड टू बिकम अ फुटबॉलर एंड प्ले फॉर मोहन बगान एंड ऑल दैट बट माई फादर यूज़ टू की आस्किंग मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि क्या आप लाइफ में करना क्या चाहते हो एंड आई नेवर हैड एन आंसर फॉर हिम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड देन या आई मीन अ लिटल लेट इन लाइफ बट मैं एक्टर ही बनना चाहता था बचपन से आप फिल्में देखते होंगे जी तो जी किसको देख के आपको मोटिवेशन मिलता था कि भाई मुझे फिल्म में जाना है और इनके तरह ही एक्टिंग करना है तो मेरे घर में कभी फिल्मों का ऐसा कोई कल्चर रहा नहीं बहुत माई पेरेंट्स वो वर्किंग एंड आई वाज अ सिंगल चाइल्ड तो हम लोगों का ऐसा कुछ था नहीं कि हम बहुत मतलब आई डोंट रिमेंबर कि हम कभी ऐसे साथ में हॉल में जाके कोई फिल्म वगैरह हमने देखी हो पर डी डी पे जो फिल्में आती थी उस टाइम पर वो फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती थी और जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एक फिल्म है सलीम लंगड़े पर मत रो जो कि आती थी उस टाइम पर जिसमें पवन मल्होत्रा थे वो फिल्म मुझे बहुत रियली टच्ड मी और फिर ऐसे ही अपना जाने भी तो यारों तमस करके एक सीरियल आता था तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी और नसीर साहब का काम हो गया एक्चुअली नसीर साहब का एक काम है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उन्हीं के काम को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और अगर मैं अपने करियर को कहीं उस डायरेक्शन में ले जा पाऊँ जहाँ पर एक अच्छे अभिनेता के तौर पे मैं अपनी पहचान बना पाऊँ और अपने काम से लोगों को छू पाऊँ तो uh, मैं अपने आप को बहुत लकी uh, खुश किस्मत मानूँगा इस दौर के कौन से एक्टर को आप सबसे बेस्ट एक्टर मानते हैं कि इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है जब ये स्क्रीन पर आता है तो ऐसा लगता है कि कुछ है मतलब दम है इस एक्टर में आ, बहुत सारे हैं अब तो बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक में Uh, किसी एक पर्टिकुलर एक्टर का उस तरह से फैन नहीं हो बट हाँ अगर आप अलग अलग काम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जैसे मुझे uh, जयदीप अहलावत का काम काल्लुक में बहुत अच्छा लगा uh, मुझे वरुण uh, सोपती जो हैं उनका काम कोहरा में बहुत अच्छा लगा तो इस तरह से अभी मैं कुछ टाइम पहले हम लोग वाद ही कर रहे थे तो दंग uh, दंगे मैंने एक फिल्म देखी और उसमें जो हर्षवर्धन राणे थे उनका काम बहुत अच्छा लगा तो uh, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टर हैं आज के समय में जिनका काम मुझे आउटस्टैंडिंग लगता है बट बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो ये कुछ नाम है जिनका काम मुझे बहुत पसंद आया थैंक यू सो मच हमसे बात करने much. के लिए लास्टली अपने फैंस को आप कुछ मैसेज देना चाहते हो तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप आ, अच्छी जिंदगी जीजिए और आ, आ, एक दूसरे का ख्याल रखिए और जो मेरे शोज आ रहे हैं जाके वो देखिए <laughs> और सबसे ज़्यादा कुछ